हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर भर में वाहन चोरों के आतंक से आमजन परेशान है। चोरों का खौफ इस कदर है कि यातायात पुलिस को सीज की बस को चौकी के बाहर जंजीरों में जकड़ना पड़ा। दरअसल रोडवेज कर्मचारियों की चक्काजाम हड़ताल के दूसरे दिन आज गुरुवार को केंद्रीय वृद्धिजन जैन बस स्टैंड में रोडवेज कर्मचारियों की शिकायत पर यातायात पुलिस ने लोक परिवहन सेवा की बस को सीज किया। वहीं बस को रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित यातायात पुलिस चौकी ले जाकर बाहर ही जंजीरों में जकड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड में लोक परिवहन की बसों का प्रवेश निषेध है। वहीं चालक ने बस को केंद्रीय बस स्टैंड में प्रवेश करवाने के साथ रोडवेज कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद बाड़मेर रोडवेज प्रबंधक ने यातायात पुलिस चौकी को सूचना दी, जिस पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बस को सीज कर दिया। सर, आज रोडवेज की जो परिवहन लोक परिवहन यात्रा की बस है उसको सीज किया, क्या मामला था? आज एक राजस्थान लोक परिवहन निगम की एक बस थी। अभी हालांकि जो रोडवेज कर्मियों की जो हड़ताल चल रही है, तो उस दौरान एक लोक परिवहन की बस है जो बाड़मेर से जोधपुर रूट की थी, तो वो वहाँ पे रोडवेज के मुख्य गेट के गेट पे ही खड़ी थी। तो ने दौरान एक गश्त बस, कुछ रोडवेज कर्मी भी कह रहे थे कि बस सवारियाँ भर रही थी, ऐसी सूचना रोडवेज कर्मियों ने हमें बताई। और हमने उस बस के आवश्यक कागजात चेक किए तो कागजात मिले नहीं, तो हमने नियमानुसार एम बी एक्ट में सीज कर दिया। क्या क्या था कुछ रूट परमिट या रूट परमिट अभी तक पेश किए नहीं हमारे सामने कोई कागजात, वो पेश करने के बाद में ही वो छुट्टी। तो सर, बस को जंजीरों में जकड़ा गया है, इसका क्या कारण? वो तो हमारे वहाँ जंजीरों में नहीं है, वो चैन है जो वहाँ हमारे खड़े करने की जगह नहीं है, इस कारण हम जो लॉक लगा देते हैं किसी भाई वाहन को, वहाँ पे व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं और खुले में रख नहीं सकते, इस कारण वो लॉक लगा देते हैं। जंजीर। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।